हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन का वो कॉन्सेप्ट जो आपको आपके अप्रोचेस में फास्ट करेगा। लाइक कैसे, मैंने अगर लिखा सपोज 123 इंटू 117 किया, नाउ एक पल के लिए सोचा, देन द आंसर दिया 143, आपका आंसर है 91। मैथ्स सेकेंड, फिर मैंने एक नंबर और लिखा 144 इंटू 156, दोनों का मल्टीपल करने पर कितना आना चाहिए, सो नाउ द नंबर इज अगेन 224, कितना, यस 64, 224 64। कैसे, क्या अप्रोच है कि मैं इन दोनों मल्टीपल को इतना इजी, चलिए ये मल्टीपल छोड़िए और कोई नंबर देखते हैं, सपोज 73 इंटू 67 किया, ये थोड़ा छोटा नंबर है, देखते हैं फिर से इसका आंसर कितना आ रहा है, देखिए 4891। ऐसा क्यों कि मैं इतना इंस्टेंट इनके नंबर्स के मल्टीपल्स कर पा रहा हूँ। सो आज हम इन वीडियोस में, आज के वीडियोस में फोकस करेंगे कि किस टाइप से मैं इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँ। सो प्लीज़ लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो का आप मजा लीजिए। जो मल्टीप्लिकेटिव अप्रोचेस मैं बताने जा रहा हूँ वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा आने वाले एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो डिस्कस करते हैं एक एक नंबर के मल्टीपल पर। देखिएगा, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, मैं फिर से इनको लिखूंगा आपके लिए, देखते हैं पहले कॉन्सेप्ट, इसके पीछे लॉजिक क्या है। हमने देखा a प्लस बी एक नंबर है, नाउ a माइनस बी दूसरा है, दोनों जब मल्टीपल होते हैं तो आपका आंसर क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है। आप क्या लिखते हो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी को क्या लिखते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप सबको पता है कि ये मल्टीपल आता है, मगर उसके एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं आप बिलीव नहीं करोगे। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, हर एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ मैं अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले कॉन्सेप्ट पे फोकस करूंगा तो मेरा मल्टीपल इतना इजी हो जाएगा कि आपका स्पीड बूस्ट होगा। देखते कैसे, मैंने देखा सपोज एक 29 नंबर है और एक 31 है, यहाँ पे देखिएगा ये 29 और 31 किसी एक सेम नंबर से आगे और पीछे के दूरी पर, समान दूरी पर है। जैसे ये नंबर दिख रहा है मुझे 30-1 और ये नंबर दिख रहा है 30+1, देखिए क्या ये इसके जैसा दिख रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी के जैसा, यस। अगर आपको दिख रहा है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 30 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और 30 का स्क्वायर होता है आपका 900 और 1 का स्क्वायर होता है 1, सो आपका आंसर कितना आएगा, 899। अगेन सपोज किसी ने कहा 72 इंटू मुझे 68 करना है, 72 इंटू 68 करना है, सेम 70 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर करना है, आंसर कितना आएगा, 4896। अगेन आपसे कहा जाता है कि नहीं आप तो मुझे 76 इंटू 84 करके बताओ, आपका आंसर आ जाएगा 363, यस 6384। सही है, चेक कीजिए क्या सही कर रहे हैं, सही जा रहे हैं। यहाँ पे मैंने देखा ये नंबर किससे छोटा है, 80 किससे छोटा है, 80 से छोटा है 4, ये नंबर 80 से कितना बड़ा है 4, सो 80 का स्क्वायर कितना होता है 6400, और 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, सॉरी यहाँ पे देखिए 6400 में से 16 जाने पे कितना आता है 6384। इंस्टेंट कैसे याद होगा कि भाई मैं 100 में से 16 को माइनस करूं, सो मेरे कुछ प्रीवियस वीडियोस हैं आप उनको देखिए, डेफिनेटली आपको स्पीड मिलेगी। उसमें एक कॉन्सेप्ट दिया है मैंने आपको फ्रेंड्स का, फ्रेंड्स आपके बेस होते हैं 10 के बेस, 100 के बेस और आपके 50 के बेस। अगर सपोज आपने 10 का बेस लिया तो 1 का फ्रेंड कौन होता है 9, 2 का फ्रेंड कौन होता है 8, 3 का फ्रेंड कौन होता है 7 और 4 का फ्रेंड होता है आपका 6। फ्रेंड का मतलब ये होता है कि 1 और 9 मिलकर कितने बन जाते हैं 10, 2 और 8 मिलकर कितने बन जाते हैं 10, एंड द 3 7 कितना हो जाता है 10 और 4 6 कितना होता है 10। बस यही कॉन्सेप्ट मैंने 100 के बेस पे भी अप्लाई कर दिया, 1 का फ्रेंड 99, 2 का फ्रेंड 98, 3 का फ्रेंड 97, वैसे 16 का फ्रेंड 84, 16 का फ्रेंड 84। आपने यहाँ देखा ये जो नंबर है, ये नंबर का डिस्टेंस देखो कि कितना है 4, मतलब 4 का स्क्वायर किस बेस में से माइनस हो रहा है 100 के बेस में से। अगर 100 के बेस में से 4 का स्क्वायर दैट इज 16 माइनस हो रहा है तो 16 का फ्रेंड कौन है 84, सो मैंने यहाँ पे क्या लिखा 6384 आपका आंसर है।
देखिए और जल्दी करने का तरीका कि और नंबर्स मुझे अगर दिखते हैं तो मैं और कैसे कर सकता हूँ, लाइक 44 इंटू 56 लेता है। अब ये नंबर देखो आप किससे आगे पीछे दिख रहा है, 2500, मुझे 2500 से नीचे जाना है 24, डेफिनेटली 24। और कितना आगे पीछे का डिस्टेंस है, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 36 का फ्रेंड कितना होता है 64, तो आपका आंसर कितना आया 2464, राइट। अगर सही है तो मैं इस कॉन्सेप्ट को कहीं और भी यूज कर सकता हूँ, बहुत सारे ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके लिए मैं इसको यूज करूँ। देखते हैं कैसे कैसे नंबर्स आते हैं, कौन कौन से नंबर्स आते हैं, मूव ऑन करते हैं अपन, चलते हैं, क्लियर। देखिएगा अगर सपोज मुझे 110 का स्क्वायर याद है, किसको याद है 110 का, यस 12100, क्या आपको 120 का स्क्वायर याद है, यस 14400, 13 का स्क्वायर याद है, 130 का स्क्वायर याद है, यस कितना होता है 16900, क्लियर है। मीन्स मुझे ऐसे नंबर जिनके स्क्वायर्स याद है तो मैं उनके आसपास के वैल्यू अगर मल्टीपल्स में हो तो मैं इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ। अप्रोच देखिएगा फिर से अगर सपोज मैंने 120 को पकड़ा, अभी देखिएगा 120 से एक नंबर छोटा था, कितना था आपका आंसर 1171 था, और एक कितना था 123 था, आपने इन दोनों का क्या करना था मल्टीपल करना था, 117 एंड 123 का क्या करना था मल्टीपल करना था, मल्टीपल किया तो आपको इसका मल्टीपल आंसर कितना आना चाहिए। सो मैंने देखा ये किससे आगे पीछे है 120 मतलब 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और 120 का स्क्वायर 14400। अगेन यहाँ पे आप देखेंगे ये कितना आगे पीछे है 3 मतलब 3 का स्क्वायर 9, और 9 का फ्रेंड देखिए फिर से 100 का बेस आ गया ना, 100 का बेस आते से ही 9 का फ्रेंड कौन है 91, सो मेरा आंसर आना है 14391, समझ में आया। सो यही अप्रोच मुझे फॉलो करना है कोई और नंबर, सपोज मैंने फॉलो किया 156 इंटू 144 में भी किया था राइट। नाउ 150 का स्क्वायर डेफिनेटली 22500, और कितना आगे पीछे है, डिस्टेंस कितना है, उधर जाते हैं 6 नीचे, इधर आते हैं 6 ऊपर, मतलब 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, वेरी गुड, आपका आंसर कितना है 22464, क्या आप समझ पा रहे हैं, क्लियर है। देखिए अप्रोच कुछ नहीं है, सिंपल सा मेथड है, मैंने कोई भी नया मेथड नहीं जनरेट किया, आपको आता है वही मेथड्स में सिखा रहा हूँ, बट उस मेथड में एप्लीकेशंस क्या क्या है वो अपने को नहीं पता थे, वो आज अपन डिस्कस कर रहे हैं। नाउ द फर्स्ट एप्लीकेशन, जो भी नंबर सेम नंबर आपको दिख रहा है आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल सा उसका फ्रेंड याद रखना है, क्योंकि बेस क्या होता है, बेस हमेशा आपको 100 का मिलेगा, क्लियर है। एक बार अपन देखते हैं, देखे थोड़ा सा और प्रैक्टिस करते हैं, जितने भी नंबर्स हैं उन नंबर्स के लिए मुझे क्या चीज़ और अच्छे से लर्न करनी चाहिए। देखिएगा सपोज आपके पास में 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, ये एक बेसिक चीज़ है जो आपको आती है, बट जो नहीं आती है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। नाउ 1 का फ्रेंड कौन होता है 99, आपको ये याद रखना है, 4 का फ्रेंड कौन है 96, 9 का फ्रेंड 91, 16 का फ्रेंड 84। अभी 84 याद होने से मुझे क्या बेनिफिट मिला, देखो अगर आपको 16 का फ्रेंड 84 दिखा उसका मुझे बेनिफिट क्या मिला, दिखेगा अगर आपको दिखा लाइक 146 इंटू 154 दिखा, देखिए 150 से 4 ऊपर, 150 से 4 नीचे, 150 मतलब 15 का स्क्वायर कितना है 22500, और 4 का फ्रेंड कौन होता है 84, 16 का फ्रेंड 84 आ रहा है। सो नाउ पीछे की तरफ तो 84 आएगा, आगे की तरफ 225 नहीं आएगा, कितना आएगा 224, देखिए बना। फिर से देखा मैंने, अगर 163 दिख रहा है, 163 इंटू 177 दिख गया, चलो बड़ा नंबर ले लिया मैंने आपके लिए, है ना। यहाँ पे आप देख रहे हैं 7 प्लस में और 7 माइनस में, 7 आगे की ओर है और 7 पीछे की ओर है, सो 17 का स्क्वायर याद है कितना 28900, ये 17 का स्क्वायर होता है, और इसमें से कितना आप घटाओगे 7 आगे पीछे था तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और 49 का फ्रेंड कौन है देखो 51, मतलब आपका आंसर कितना आना है 28851, इंस्टेंट, आपको टाइम नहीं लगेगा, विद इन अ सेकेंड आपके सारे कैलकुलेशंस इजीली सॉल्व होंगे, सिर्फ आपको याद क्या रखना है सारे नंबर के स्क्वायर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
सारे के स्क्वायर, स्क्वायर के फ्रेंड्स, 25 का फ्रेंड कौन होता है 75, 36 का 64, देखो हर बार आएगा, नंबर सेम है इसलिए हर बार ये नंबर्स डेफिनेटली आते हैं। अगर ये याद हो गया तो आपका एक पड़ाव तो पार हो गया, चलो है ना, दूसरा पड़ाव देखते हैं, लाइक अगला स्टेप देखते हैं, अगला मेथड देखते हैं, इसी में और कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। चलिए, और आपको कौन से नंबर के स्क्वायर याद है बताइए, नंबर के स्क्वायर्स याद तो होंगे ना। यस, अपने को याद होते हैं ऐसे नंबर के स्क्वायर जिनका यूनिट प्लेस क्या हो 5, जैसे 5 का स्क्वायर 25, 15 का स्क्वायर होता है 225, 25 का स्क्वायर होता है कितना 25 का स्क्वायर 625, यस, 35 का स्क्वायर 1225, 45 का स्क्वायर दैट इज 2025। आप देख रहे हैं आपको ये सारे स्क्वायर्स इजीली लर्न है। अधिकतर बच्चों को जो वीडियो देख रहे हैं उनको ये लग रहा है कि मुझे ये सारे स्क्वायर्स तो आते हैं, सो मुझे यहाँ पे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सही है ना। सो इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है वो अपन देखते हैं, इनको कैसे याद रखना है जिन बच्चों को अभी तक पता नहीं चला कि जिसका ऐसा नंबर जिसका इकाई स्थान का अंक क्या हो 5 हो, ऐसा ऐसी संख्या जिसका इकाई स्थान का अंक क्या हो 5 हो, उसके वर्ग को कैसे याद रखना है, क्लियर है। सो ना उसके स्क्वायर या उसके वर्ग को मैं याद करने का तरीका आपको क्लियर कर देता हूँ। आप देख रहे हैं ये तो 5 है, तो 5 का स्क्वायर 15, मैं गया 15 के पास 15 का स्क्वायर लिखने, तो 5 का स्क्वायर तो मुझे याद है कितना होता है 25, 1 से जस्ट एक बड़ा नंबर सोचिए, 1 से जस्ट एक बड़ा नंबर सोचिए 2, तो 1 × 2 कितना हुआ 2, तो आपका आंसर कितना है 225। आपने देखा सपोज एक और नंबर उठाया 35 का स्क्वायर लिखना है, 35 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना है 25, याद है आपको ना, और 3 से एक बड़ा जस्ट 4, 3 × 4 = 12, आपका आंसर कितना आया 1225। अगेन आपने देखा 65 का स्क्वायर लिखना है, तो 5 का स्क्वायर आपने लिखा 25, 6 से एक बड़ा कौन है 7, 6 × 7 = 4225, किसका 65। ऐसे ही आप 85 का लिखना चाहते हैं लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, 8 से एक बड़ा कौन होता है 9, 8 × 9 = 8, 9 = 72, 72 = 25, कोई दिक्कत नहीं है, जिस लैंग्वेज में मेरे को ईजी हो उस लैंग्वेज में आप बोलो, ठीक है। मैंने देखा 115 पे एप्लीकेबल है या नहीं है, तो 5 का स्क्वायर 25 और 11 × 12 कितना होता है 132, 13225 आपका वर्ग है। आपने फिर से उठाया चलिए 155 पे एप्लीकेबल है या नहीं है, तो 5 का स्क्वायर तो फिर से देखा मैंने कितना होता है 25 और 15 × 16 फंस गए नहीं, दैट इज 240 आपका आंसर है 240, 25। अब ये 240 कैसे आ गया 15 × 16, देखो एक छोटा सा और चमत्कार देख लो, ये 15 × 16 है, कोई कुछ नहीं करना है, इस 15 का 2 गुना करो कितना होता है 30, इस 16 का आधा करो 8, 8 किया कितना होता है 24, तो देखो एक नंबर और मल्टीपल, एक एप्लीकेशन और देखा आपने, क्या देखा कि यदि कोई नंबर ऐसे दिखते हो कि 15 × 16 तो मैं उसको कैसे, मैं मल्टीपल नहीं याद रख सकता, मैं स्क्वायर याद नहीं रख सकता, बट मुझे पता है 15 को 2 गुना कर दो 16 को आधा कर दो। अभी अगले आने वाले वीडियोस में आपको वो अप्रोचेस भी सीखने को मिलेगी जो यहाँ पे आपने देखा है, क्लियर है। सो मैंने यहाँ पे नंबर को पहचानना सीखा कि नंबर को पहचानूं कैसे, और ऑनलाइन एग्जाम है तो ऑनलाइन एग्जाम में मैं कैलकुलेशन कैसे अपने दिमाग में रिव्यू लूं, क्लियर है। सो देखते हैं आगे का मेथड कि मुझे अगर ये स्क्वायर याद हो गए तो मैं आगे कैसे नंबर्स के मल्टीपल्स याद रख सकता हूँ। सो देखते हैं कैसे, अगर सपोज 21 × 29 देखा अपन ने, देखा 25, 25 का स्क्वायर होता है 625, यस, क्योंकि 25 से बड़ा है, कितना छोटा है ये आपने देखा 25 − 4 है, और ये कितना है 25 + 4 है, सो आप 25 का स्क्वायर कितना लिखते हो 625, और 4 का स्क्वायर लिखते हो आप कितना 16, 25 में से 16 गए तो कितना आया 609, अगेन आपने क्या देखा 609, ठीक है। फिर से देखते हैं, चलो 35 से देखते हैं, 35 के आगे पीछे नंबर अगर ऐसा मल्टीपल आ गया 34 × 36 करके बताओ 34 × 36, तो 35 का स्क्वायर याद है कितना है 1225, और उसमें से एक घटा लो कितना आ रहा है 1224, यस 1224, क्लियर है। अगेन मुझे दिखा 52 × 58 दिख गया, चलो 52 × 58 दिखा, अब 52 कितना छोटा है 3, 58 कितना बड़ा है 3, आप गए 50 पर 3025, 3 का स्क्वायर 9,
25 में से 9 गए तो 16 मिले, आपका आंसर आ गया 3016 आ गया। सेकेंड एप्लीकेशन, अब इस एप्लीकेशन को याद रखने के लिए सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिस। मैथ्स में अगर आपको स्पीड पकड़ना है तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपको ऐसे एक नंबर नहीं, दो नंबर नहीं, आपको 10-10, 15-15, 20-20 नंबर लिख कर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हर सीरीज में। आप चलो यहाँ पे खड़े हो कि मैं चलो 115 से छोटा बड़ा देख लेता हूँ, 113 × 117 मिल गया, तब मैं नंबर को कैसे मल्टीपल करूँगा। सो अगेन देखिए 11, ये 115 से आगे पीछे 11, 115 का स्क्वायर कितना होता है 13225 होता है। नाउ 13225 माइनस कितना आगे पीछे है, दो पीछे दो आगे, मतलब दो का स्क्वायर कितना होता है 4, आपका आंसर आ गया 13221 आ गया, 13221 आ गया। सो कॉन्सेप्ट, अगर आपने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखा सो डेफिनेटली ये नंबर नहीं, आपको सारे नंबर्स के स्क्वायर्स इजीली लर्न होंगे। नाउ टू अप्रोचेस, थर्ड अप्रोच अपन देखते हैं, ठीक है। चलिए, आपको ये सारे नंबर्स याद हो गए, मैं आपको एक और बार बताता हूँ। आपने देखा होगा एक क्वेश्चन ऐसा आता है, नाउ कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ 63 × 67। व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 63 × 67, जस्ट इमेजिन, सोचिए। चलिए अप्रोक्सीमेट ही बताना है, एग्जैक्ट नहीं बताना है, अप्रोक्सीमेट चाहिए, कुछ नहीं करना है। बीच वाला नंबर कौन है 65, तो नाउ द इसके स्क्वायर, आपका स्क्वायर रूट जो होगा वो 65 के पास में ही होगा, और उससे थोड़ा सा छोटा है बड़ा, थोड़ा सा छोटा होना है, कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने देखा 63 और 65, 7 के बीच में कौन आता है 65 आता है, और 65 आता है कितना छोटा बड़ा है, 2 छोटा बड़ा है, मतलब 65 का स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर कर रहा, इग्नोर 2 स्क्वायर, कोई लॉजिक नहीं है 2 स्क्वायर, कुछ ज़्यादा वेरिएशन नहीं डालेगा। सो एक और एप्लीकेशन, थर्ड एप्लीकेशन, आपने देखा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, किसके में आपको एप्लीकेशन यूज होता है, किसमें, मल्टीप्लीकेटिव में, अप्रोक्सीमेशन, स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने में। सपोज एक नंबर आ गया 117 × 123, इसका स्क्वायर रूट बताओ, तो आप क्या बताओगे 120 ही बताओगे, क्लियर है। अब ये क्वेश्चंस आते से ही बंदे की सिट्टी पिट्टी घूम, मतलब फिनिश, सोचना बंद हो जाता है, दिमाग उसका काम नहीं करता, भाई 117 × 123 का स्क्वायर रूट कैसे लिखूं। चलिए 117 ना होते हुए भी अगर यहाँ पे 116 भी होता ना, तो भी आपका आंसर 120 सही आता। चेक करो मोबाइल में, कैलकुलेटर चेक करो, सारे नंबर्स, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको अब श्योरिटी दे रहा हूँ कि अगर सपोज कोई नंबर उठा लिया 113 × आपने दूसरा नंबर उठा लो 123 उठा लो, चलो इन दोनों का स्क्वायर रूट बताओ। सो इन दोनों के बीचों बीच कौन है, जल्दी देखो 123 इधर 113, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना 10 का आ रहा है, 10 मतलब आधा कर लो 5, इसमें 5 जोड़ो 118, इसका स्क्वायर रूट होगा। सिंपल अप्रोच है, और ये जब मल्टीपल्स आते हैं सो दिमाग काम करना बंद कर देता है, क्योंकि ऐसे मल्टीपल्स को याद रखना वो टिपिकल टास्क होता है। इसमें और भी घुमा देते हैं, चलो 40 और घुमा देते हैं, 40 नहीं 400 घुमा देते हैं, तो फाइनल आंसर कितना आएगा 20 का, और गुणा करना है 118 × 20, आपका आंसर आ जाना है, क्लियर है। सो तीसरा एप्लीकेशन भी आपको क्लियर हो गया कि तीसरा एप्लीकेशन कहाँ यूज होता है, यदि कोई ऐसा नंबर हो, सपोज मुझे याद नहीं हो रहा कि दोनों के फैक्टर के बीचों बीच वाला नंबर हमेशा उसका स्क्वायर रूट होगा, क्लियर है, बीचों बीच वाला नंबर हमेशा उसका स्क्वायर रूट होगा, यह आपका ब्रह्मास्त्र है, याद रख लो जितने भी स्क्वायर रूट्स है। और मल्टीपल में ऐसा एग्जाम में लास्ट टाइम IBPS के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस, तो मुझे ये याद रखना बहुत जरूरी है। थर्ड एप्लीकेशन क्लियर, नाउ द फोर्थ एप्लीकेशन देखते हैं, फोर्थ अप्रोच देखते हैं। अब दिमाग में ये आ रहा है कि सपोज यहाँ पे 63 हुआ और यहाँ पे 56 हुआ, किसी के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर यहाँ पे 3 आगे हुआ और इधर 4 पीछे हुआ, तब क्या करेंगे, लॉजिक है, स्वाभाविक सी बात है। सो उसमें भी देखते हैं हमको क्या करना है, कुछ नहीं, सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट फॉलो करना है, नंबर ये कितना आगे है 3 और ये कितना पीछे है 4, किससे 60 से, क्लियर है। मैंने देखा 63 और 56 को फोकस किया कि 60 से कितना आगे है 3, 60 से कितना पीछे है 4, क्लियर है। 60 से बात कर रहे हैं ना, तो 60 का स्क्वायर कितना होता है 3600 लिखो, ये प्लस का 3 और माइनस का 4 एडिशन करने पे कितना आएगा -1, तो इस 60 का इस -1 में मल्टीपल करो कितना आ गया -60। अगेन 3 4 कितना होता है -12, आपको यहाँ पे -12 करना है,
सब्ट्रैक्ट करने पे आपका आंसर आ जाना है 3600 में से 60 गया, 60 गया मतलब 40, यस 3540, 3540 में से 12 गया तो 3530, फिर नीचे जाइए 28 पर, यस 3528 आपका आंसर है। आप ऐसे भी देख सकते हो 60 और 12 कितना होता है 72, 72 का फ्रेंड कौन होता है 28, ये आपका आ गया। अप्रोच आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या फॉलो कर रहे हो। आपने देखा 73 इनटू चलो 66 देखा, यहाँ पे 73 मतलब प्लस का 3 है, 66 मतलब माइनस का 4 है। आपने फिर से देखा ये किससे आगे पीछे 70 से, तो 70 का स्क्वायर कितना होता है 4900। नंबर कितना वेरिएशन आ रहा है डाइवर्जन, यहाँ पे देखा आपने माइनस 1, 70 माइनस 1 माइनस 70 में जाऊंगा, और 3 4 का कितना हो रहा है 12, 70 और 12 कितना होता है 70 और 12 जोड़ो 82, 82 का फ्रेंड कितना होता है 18। नाउ आपका आंसर कितना आया 4818, सेम है 4818। मुझे कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, हुआ क्या 70 और 12 को जोड़ा मैंने कितना आया 88, सॉरी 70 और 12 को जोड़ा 82, 82 का फ्रेंड कौन होता है 18, वो 18 लिख दिया, और 4900 में से कोई भी वैल्यू अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो 4800 पे जाते हो 4818, क्लियर। नाउ अगेन सपोज कोई और नंबर उठाते अपन, सपोज मैंने उठाया 77 इंटू 76 उठा लिया, चलो मल्टीपल है दोनों कर पाओगे देखते हैं कैसे। ये देखा मैंने 75 से कितना ऊपर है 2, ये कितना ऊपर है 1, 2 और 1 कितना होता है 3। अब ये किससे ऊपर है 75 से है ना भाई, तो 75 का स्क्वायर कितना होता है 7 8 5 6 2 5, ये तो स्क्वायर होता है 75 का, कि 75 का स्क्वायर, देखो मैंने अभी लर्न करना सिखाया आपको, आप पीछे देखिए रिवाइज कीजिए, तो 75 का स्क्वायर आपको याद हो जाएगा 5 6 2 5। मैंने यहाँ पे देखा 2 और 3 मिलके कितने, 2 और 1 मिलके कितने होते हैं 3, तो 75 का 3 गुना कितना होता है यस 2 to 5 होता है, और 2 into 1 कितना होता है 3 होता है, सिर्फ 2 होता है। आप इन सबको जोड़ लो कितना आ रहा है 25 25, 50 हो गए आपके 850 850, में 2 और जोड़ लो कितना हो रहा है 5852, समझ में आया 5852 आपका आंसर आ गया। देखिए अप्रोच मायने रखता है, मेथड्स मायने रखता है, मुझे कहाँ पर कौन सा मेथड क्लिक हो रहा है वो बहुत जरूरी है, समझना जरूरी है हर एक मेथड को। आप देखिए मैंने वैसे भी काफ़ी डिटेल में आपको समझाया है पूरा वीडियो, आप उस वीडियो के एक एक मेथड एक एक कॉन्सेप्ट को देखिए, और हमारा यूट्यूब चैनल अनुष्का अकेडमी को आप सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, और स्टडी मटेरियल लेटेस्ट स्टडी मटेरियल अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल का हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप उस टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए जहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेटेड कंटेंट अवेलेबल हो जाएगा, कोई वीडियोज़ है वीडियो से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कोई एग्जामिनेशन है एग्जामिनेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी, दैट इज़ आर टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए एवं लाइक कीजिए प्लीज़, और शेयर एंड शेयर, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक कमेंट जरूर डालिएगा। थैंक यू।